हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर व्रत में आप कुछ हल्का फुल्का लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं लेकर आई हूँ व्रत में खाई जाने वाली लौकी के रायते की रेसिपी। एक कटोरी लौकी का रायता आपको देगा दिन भर भरपूर एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी कद्दूकस की हुई लौकी। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच शक्कर और इसे चम्मच की सहायता से चला के मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, लौकी में काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है, इसका जूस बनाया जाता है, तो हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो आप शक्कर की जगह पर एक चौथाई चम्मच नमक डाल दें। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। लौकी का रायता सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और व्रत में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लौकी पक चुकी है और हम इसे हाथ से एक बार चेक कर लेंगे। अगर लौकी पुरानी होती है तो पानी कम छोड़ती है या फिर नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर लौकी जो थी वो बढ़िया थी, तो पानी इसने छोड़ा है तो ये अपने आप ही पक गई है। अब हम एक बोल में एक कटोरी दही लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ये दही बहुत ही बढ़िया दही है फ्रेंड्स, घर पर मैंने इसे जमाया था। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लौकी कद्दूकस करके पकाई थी, उसे हम 2 चम्मच दही में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लौकी का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय कम है और कुछ हैवी नहीं खाना चाहते हैं, आप ये हल्का फुल्का सा लौकी का रायता तैयार कर लें और इसे एक कटोरी भर के खा लें। आपको दिन भर एनर्जी भी मिलेगी और हेल्थ भी आपकी एकदम सही रहेगी, आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनार के दानों से इसे गार्निश किया है। फ्रेंड्स, लौकी का रायता तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।